जबलपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने कोतवाली एवं लॉर्डगंज थाना क्षेत्र में हुई तीन लूट की घटनाओं का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 5 आरोपियों में से एक नाबालिग है। बीते दिनों कोतवाली थाना क्षेत्र में रीना जैन नाम की महिला अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रही थी, तभी रास्ते में मकरवाहिनी मंदिर के पास तीन युवकों ने रेखा जैन के गले से चैन लूट ली थी। वारदात के बाद से ही पुलिस को आरोपियों की तलाश थी। पुलिस ने आरोपियों की पतासाजी करने के लिए आसपास के सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू किया। सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों की पहचान की जा सकी, जिसमें मोटरसाइकिल में बैठे तीन युवक में से पीछे बैठे युवक की तस्वीर स्पष्ट थी। यहां सभी थानों में युवक की तस्वीर को भेजा गया। वहीं हनुमानताल थाने में पदस्थ आरक्षक महेंद्र सिंह व चंद्रभान सिंह ने मोटरसाइकिल चला रहे युवक और पीछे बैठे युवक को पहचानते हुए लुटेरे अलीम और सौरभ तिवारी को चांदनी चौक से पकड़ा, जहां पूछताछ के दौरान अपने साथियों का नाम पुलिस को उजागर किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी हुई सोने की दो चेन, एक मंगलसूत्र, एक्सेस वाहन एवं एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल जब्त की है। जैसे कि आपको विदित है, कोतवाली क्षेत्र में एक मकरवाहिनी मंदिर के पास एक महिला से चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी, जिसको तत्काल संज्ञान लेते हुए कोतवाली पुलिस एवं हमारे जो इंचार्ज रेडियो हैं अमित जैन, उन्होंने इसका संज्ञान लिया और उसके फुटेजेस चेक किए। फुटेज चेक करने के आधार पर उनकी पतारसी की गई और फिर उनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने इस घटना के अतिरिक्त दो अन्य घटनाओं को करना कबूला। इसमें एक घटना 2019 की कोतवाली क्षेत्र की है और एक लेबर चौक की 2020 की लॉर्डगंज क्षेत्र की अतिरिक्त है। इसमें ये चीज उल्लेखनीय है कि इसमें जो टू व्हीलर जो यूज करते थे उनमें से एक जो है वो चोरी की टू व्हीलर थी, ब्लैक स्प्लेंडर, जो कि थाना घुघरी मंडला से चोरी चली गई थी। पुलिस में 5 आरोपी हैं, जिसमें एक नाबालिग अपचारी है और 4 इसमें वयस्क आरोपी हैं। उन सबकी गिरफ्तारी हो गई है और इस अच्छे कार्य के लिए जो पुलिस टीम है वो बधाई की पात्र है। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो क्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।